हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का जो सिलेबस है उसमें सामान्य हिंदी का जो सेक्शन है उसके 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का फॉर्म भरा है तो इन वीडियोज को जरूर देखें, और भी वीडियोज इसकी आएंगी अलग अलग सेक्शंस वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो मस्तक का पर्यायवाची मस्तक, मस्तक मतलब क्या होता है? ललाट। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे लाल लिखा हुआ है, लाल मतलब क्या होता है? लाल मतलब होता है सिंदूर, रक्तवर्ण। ठीक है, लालिमा, लालिमा मतलब क्या होता है? लाली, सुर्खी, अरुणिमा, ये सब होती है। और ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे ललाई, ललाई का पर्यायवाची क्या होता है? लाली होता है, सुर्खी होती है। ठीक है, ललाट, ललाट जो होता है ललाट, तो सिंपल सी बात है, मस्तक को बोलते हैं, बहुत ईजी है। अमृत शब्द का, अमृत शब्द किसका पर्यायवाची है? तो अमृत को हम लोग क्या बोलते हैं? अमीय बोलते हैं। अमृत को हम लोग अमीय, अमीय इसका पर्यायवाची होता है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे इति, इति मतलब होता है अंत, समापन। वारिज मतलब होता है कमल, अंबुज। वारिज का पर्यायवाची हम लोग पढ़ते थे ना, कमल का पर्यायवाची वारिज, अंबुज। ठीक है, घोटक, घोटक मतलब क्या होता है? घोटक मतलब होता है घोड़ा, वाजी, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। मूर्छित शब्द का विलोम शब्द छाटिए। मूर्छित, मूर्छित यानी इसका विलोम बोलते हैं ना, मूर्छित हो गया। सचेत, सचेत मतलब उसको होश आया, जैसे किसी को मिर्गी आता है तो वो मूर्छित हो जाता है, सचेत उसका विलोम हो गया है। बाकी का ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे जीवित, जीवित का विलोम हो गया मृत। अमूर्त का विलोम हो गया मूर्त। अमुक, अमूर, अमुक, मुखर, सॉरी मुखर, मुखर का मतलब हो गया मुख, इसका विलोम हो गया मुख। उन्नयन, उन्नयन का विपरीतार्थक शब्द बताना है, उन्नयन का विपरीतार्थक हो गया अवनयन, बहुत ईजी है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे विमुख, विमुख का विपरीतार्थक क्या होगा? विलोम क्या होगा? उन्नयन, विमुख उन्नयन, रुकना, रुकना का होगा चलना, स्थिर का हो गया चंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंग, सारंग का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? सारंग मतलब हाथी होता है, सारंग कोयल को भी बोलते हैं, कामदेव को भी बोलते हैं। ठीक है, तो सारंग का पर्यायवाची क्या हुआ? पर्यायवाची बोले तो अनेक अर्थ है, यानी जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो सारंग मतलब हाथी, कोयल, कामदेव, यानी बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सम श्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ सुमेलित है, यानी उसका अर्थ बताना है, कौन सा सुमेलित है? सर्वथा, सर्वथा मतलब सब तर्क से सदैव। आप उसका मीनिंग आप इसको थोड़ा तोड़ के देखेंगे, ब्रेक करके दो भागों में, जैसे संधि विच्छेद करके, तो आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। जैसे सर्वथा मतलब सब तरह से सदैव, और सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। अश्व, अश्व मतलब तो घोड़ा होता है, और दूसरा है अश्म, अश्म मतलब पत्थर होता है, खच्चर नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है जलद, जलद मतलब बादल होता है, और जलज मतलब कमला होता है। ठीक है, तो ये हुआ भी। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, अनिल, अनिल मतलब हवा होता है, और अनल मतलब क्या होता है? अनल मतलब आग होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए श्रमसूत्र भिन्नार्थक शब्दों का उचित अर्थ ज्ञात करना है। अभय, उभय, अभय, अभय मतलब क्या बोलते हैं? निडर, और उभय मतलब दोनों, अभय मतलब निडर, उभय मतलब दोनों। बहुत सी भाषाएं जाने वाला, जानने वाला, बहुत सी भाषा जानने वाला, तो बहुभाषाविद बोलना, विद मतलब लगा देने का मतलब होता है कि बोलने वाला, जानने वाला। बहुभाषाविद यानी बहुत सी भाषाएं जानने वाला, उसको बोलते हैं बहुभाषाविद। कार्य करने की इच्छा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर, यूज करना है, तो कार्य करने की इच्छा को क्या बोलते हैं? चिकित्सा। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, अंग्रेजों ने अनेक बार भारत के हृदय को चोट पहुंचाई। देखिए, अनेक बार नहीं होगा, अंग्रेजों ने अनेकों बार भारत, सॉरी, अंग्रेजों ने अनेक बार भारत के हृदय को चोट पहुंचाई। अनेक लिख दिया तो अनेक, अनेक मतलब बहुवचन में आता ही है, तो अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों ने अनेक बार भारत के हृदय को चोट पहुंचाई।
इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली, ये खुद इसके अंतर्गत आ गया है, यानी परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, यानी ये अशुद्ध हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? देखिए, भाषाओं के नाम, ये तो स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये भी स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन जो दिन के नाम होता है सोमवार मंगलवार बुधवार ये सब पुल्लिंग में आते हैं, हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह मेरा आत्मज है, इसका स्त्रीलिंग बताना है, तो स्त्रीलिंग हो गया वह मेरी आत्मजा है, वह मेरी आत्मजा है। इसमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही है? एक वचन बहुवचन लड़का, लड़का का क्या होता है? लड़के होता है, यहाँ पे लड़को लिखा है तो गलत है। कमरा का होता है कमरे, यहाँ पे कमरों लिखा है ये भी गलत है। रुपया का होता है रुपये, यहाँ पे रुपया लिखा हुआ है ये भी गलत है। पत्ता का होता है पत्ते, ये सही है, सही युग्म आपको छांटना है। नीचे दिए गए शब्दों का सही बहुवचन का विकल्प पहचानना है। भैंस, भैंस का क्या होगा? भैंसे। निम्नलिखित में से संप्रदान कारक विभक्ति वाला वाक्य पहचानना है। संप्रदान, तो संप्रदान में उसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए यानी के लिए जहां पे आएगा वहां पे संप्रदान कारक होगा। देखिए, पहला ऑप्शन मेरे लिए पानी ही ले आओ, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, बाकी के ऑप्शन में के लिए है ही नहीं। निम्न विकल्पों में से किसमें अपादान कारक है? तो अपादान कारक में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से के साथ साथ आपको याद रखना है जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु का अलग होना, ठीक है, कोई अलग होने की जब बात होती है तो वहां पे अपादान कारक का इस्तेमाल होता है और से यूज होना चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है हम आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, देखने का से का इस्तेमाल हुआ है लेकिन अलग होने की बात नहीं हो रही है। यहाँ देखिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत से कूद पड़ी यानी अलग हो रही है छत से, ठीक है, और से का इस्तेमाल किया गया है, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हुआ। यह तो रही मेरी बात, अब और क्या कहा जाए, वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? यह तो रही मेरी बात, यह तो रही मेरी बात, मतलब यह तो रही मेरी बात और अब और क्या कहा जाए, मतलब यह क्या बता रहा है, यह किसी चीज की निश्चितता को बता रहा है, यानी यह निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, मोहन अपने आप सारा काम कर लेगा, अपने आप, सिंपल सी बात है, निजवाचक सर्वनाम है। देखना शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण, विशेषण यानी किसी चीज का विशेषता बताता है, तो देखना का हो गया दिखाओ। निम्न में से विशेषण बताना है, कोई, करना, मुझे या बचपन, सिर्फ विशेषण बता रहा है, कोई, तो कोई आपका ये विशेषण हो गया, सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। करना क्या है? करना एक क्रिया होता है। मुझे, मुझे क्या है? मुझे सर्वनाम होता है। बचपन क्या है? बचपन तो संज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणात्मक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, सॉरी। देखिए, जैसे किसी चीज को, यहाँ पे क्या है प्रेरणार्थक क्रिया? पढ़ाना, जैसे पढ़ाना, लास्ट में जब किसी चीज के लास्ट में आना, जैसे पढ़ाना, पढ़ दन आना, या फिर वाना, दोनों ये सब चीजें जब जोड़ते हैं ना तो वो प्रेरणात्मक क्रिया बनती है। जैसे पढ़ाना, पढ़वाना, लास्ट में आना आ रहा है, यानी प्रत्यय में आना आ रहा है, तो वो प्रेरणात्मक क्रिया होती है, ठीक है। वह पढ़कर सो गया, पढ़कर क्रिया किस प्रकार की है? वह पढ़कर सो गया यानी पूरा करके सो रहा है, तो यहाँ पे पूर्णकालिक क्रिया है। खाना मिले तो मैं खाऊं, खाना मिले तो मैं खाऊं, इस प्रकार का जब वाक्य जब आता है तो उसमें किस प्रकार का भविष्यकाल का इस्तेमाल होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हेतु, हेतु हेतु मद भविष्यकाल, ठीक है। खाना मिले तो मैं खाऊं, इस प्रकार के वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? हेतु हेतु मद भविष्यकाल।
यानी इस प्रकार के वाक्य में किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। मतलब खाना मिले तो मैं खाऊं, मतलब दूसरी क्रिया पहले क्रिया पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, हेतु हेतु मतलब भविष्य काल। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। रोहित ने पत्र लिखा, रोहित ने पत्र लिखा, लिखा होगा, रोहित ने पत्र लिखा होगा, लिखा होगा मतलब कंफर्म नहीं है कि लिखा ही है कि लिखा मतलब लिखा नहीं है, मतलब संदिग्ध है, तो संदिग्ध भूतकाल होगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, यह किस वाच्य में है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो यह कर्मवाच्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन पत्र लिखता है, इसमें कौन सा वाच्य है, इसमें लिखने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे कर्तवाच्य हुआ। तत्पश्चात किस प्रकार का अव्यय है, तत्पश्चात यानी किसी, तत्पश्चात इसके बाद यानी ये कालवाचक किसी किसी समय को बता रहा है कि ये चीज होगा इसके बाद, ये चीज होगा तत्पश्चात मैं ये कार्य करूंगा, यानी ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अवलोचन, अवलोचन में उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग मतलब क्या होता है, उपसर्ग मतलब आगे लगता है, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, तो अवलोकन मतलब इसमें कौन सा उपसर्ग है, अवलो उपसर्ग है। अधिपत्य में कौन सा प्रत्यय है, अधिपत्य, अधिपत्य में कौन सा प्रत्यय है, भाववाचक। अधिपत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो अधिपत्य में भाववाचक, भाववाचक तद्भिक प्रत्यय है। देखिए अधिपत्य, अधिपत्य को जब सब जब संधि विच्छेद करेंगे, अधिपति प्लस यह अधिपत्य, ये भाववाचक प्रत्यय हुआ। जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों के भाव या क्रिया के व्यापार का बोध हो वहां पे उन्हें हम भाववाचक कृत प्रत्यय या फिर इसको भाववाचक कृदंत भी कहते हैं। औना प्रत्यय का से बना शब्द बताना है, औना जिसमें जिसके लास्ट में औना लगा हो, जिसके पीछे में प्रत्यय में औना लगा हो, तो देखिये बिछौना, तो ये बिछौना आपका ये प्रत्यय हुआ। विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्या प्लस आलय यानी आ और आ मिलकर आ हो जाता है, यानी दीर्घ संधि। यथोचित, यथाधन उचित, इसका संधि विच्छेद करना है, यथाधन उचित बहुत इजी है, गुण संधि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारा सामान यथा संभव यथा स्थान रख दो, यथा स्थान में आपको समास बताना है कि कौन सा समास है। तो देखिए यथा स्थान, इसमें यथा क्या है, अव्यय है, तो ये यहाँ पे हो गया अव्यय भाव समास। देखिए यथा स्थान मतलब होता है स्थान के अनुसार, तो यथा क्या हो गया अव्यय, तो यहाँ पे अव्यय भाव समास हो गया। अव्यय भाव समास इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, जिसमें पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद क्या होता है प्रधान होता है, तो वहाँ पे अव्यय भाव समास हुआ। तत्पुरुष समास क्या हुआ, जिस समास में पहला पद गौण उत्तर पद प्रधान होता है वो होगा तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जहाँ पे उपमेय और उपमान में संबंध हो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास दुगु तीन गु चार गु, यानी जहाँ पे संख्यावाचक होता है, जहाँ पे पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा पंचराहा तिराहा पंचभुज षटभुज, तो ये सब द्विगु समास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भयाकुल का समास विग्रह करना है। भयाकुल यानी भय से आकुल, तुम कब आओगे, फिर यहाँ पे कौन सा मार्क लिखा हुआ है, विराम चिन्ह कौन सा है, तो यह है क्वेश्चन मार्क। कौन सा मुहावरा गलत है, घाव पे तेल छिड़कना, तेल तो छिड़कते नहीं है, घाव पे तो नमक छिड़कते हैं। बाकी का ऑप्शन देख लीजिए, हवा होना, हवा होना मतलब तेजी से भाग जाना, घाव हरा होना मतलब भूले हुए, कोई आपके पास भूला हुआ दुख है उसको आपको याद करना है, तो उससे बोलते हैं घाव हरा हो कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डूबते को तिनके का सहारा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, डूबते को तिनके का सहारा यानी किसी
कोई इंसान है बहुत विपत्ति में पड़ा है, उसको थोड़ा भी अगर कोई सहारा मिल जाए तो उसको हम लोग कहेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे या लोकोक्ति की डूबते को, उसको डूबते का तीन, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, यानी विपत्ति से पड़े मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफ़ी होता है, इसका मतलब ये हुआ है। करुण रस का स्थायी भाव क्या आता है? करुण रस, करुण मतलब रोष मतलब शोक, ठीक है। क्रोध, क्रोध यह किसका स्थायी भाव है? तो क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा यह किसका स्थायी भाव है? तो यह है विभत्स रस का स्थायी भाव। भय, भय किसका स्थायी भाव स्थायी भाव है? तो यह है भयानक रस का, ठीक है। रति श्रृंगार रस का होता है। हास, हास्य रस का होता है। रहिमन पानी राखिए बिन पानू सब सुन, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चुन, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखिए ये तो दोहा कहलाता है, दोहा। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चुन, तो ये दोहा में आता है। देखिए दोहा को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जैसे बाकी कोई जब जो कि कोई ऐसा दोहा दे दिया हो आपने पढ़ा ना हो तो आपको कैसे पहचानेंगे? देखिए इसमें टोटल 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें विषम चरण यानी प्रथम और तृतीय में 13-13 और सम चरण यानी द्वितीय और जो चौथा वाला जैसे बिन पानु सब सुन और मोती मानुष चुन, ये द्वितीय और चतुर्थ में आएगा, तो उसमें 11-11 मात्राएं होंगी, तो आप समझ लेंगे कि ये दोहा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम के जैसा रत्न पाया है। राम के जैसा रत्न यानी किसी चीज़ का ना रूप उसके जैसा है तो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम के जैसा रत्न, राम के जैसा धन पा लिया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे चार चंद्र की चंचल क्रीड़ा खेल रही है जलतर में, चौवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। उपमा अलंकार क्या होती है? जब एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए बुंदेली तो पश्चिमी हिंदी में आती है, कन्नौजी भी आती है, कन्नौज वाले इलाके में बोली जाती है, हरियाणवी ये सब भी पश्चिमी हिंदी में आती है, हरियाणवी हरियाणा साइड पड़ता है उधर, या फिर पश्चिम यूपी वेस्ट में भी बोला जाता है थोड़ा बहुत। मगही, मगही ये पश्चिम हिंदी में नहीं आती है, मगही बिहार वाले क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार हिंदी साहित्य में नहीं दिया जाता है? तो देखिए हिंदी साहित्य में शांति स्वरूप भटनागर नहीं आता है, हिंदी शांति स्वरूप भटनागर को ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी साहित्य की किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी, अंधेर नगरी क्या है? एक नाटक है, ठीक है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों ये हुआ 50 क्वेश्चन यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के हिंदी वाले सेक्शन से, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो सेक्शन है जिसमें जीके जीएस आता है उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, उन वीडियो को भी जरूर देखें। अगर आप इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है हिंदी के चैप्टर वाइज वो सब मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो सब मिल जाएगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।